आप देख रहे हैं विद्रोही आनंद, मैं हूं आपके साथ अंजू कश्यप। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पे। हिमाचल प्रदेश और श्रीनगर में भूकंप के हलके झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.2। हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर था भूकंप का केंद्र। किसान आंदोलन का 42वां दिन, कल होगा रेल रोको अभियान। महंगाई को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, जनता से लूट सिर्फ दो का विकास। उत्तराखंड में चमोली त्रासदी में मरने वालों की संख्या हुई 53, अब भी कई लापता। महाराष्ट्र में बड़ा हादसा, जलगांव के किनगांव के पास मजदूरों को ले जा रहा ट्रक पलटा, 16 की मौत। मुंबई में आज दिया मिर्जा की दूसरी शादी, दिया मिर्जा आज बिजनेसमैन वैभव रेखी से करेंगी शादी। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी, अक्षय कुमार बोले हम हमेशा आपके सर्वोच्च बलिदान के ऋणी रहेंगे। जौनपुर में पैसे के लेन देन के विवाद में पिटाई से घायल हुआ युवक, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। जौनपुर में मछली शहर से 4 बार विधायक रहे सपा नेता ज्वाला प्रसाद का निधन, अखिलेश ने बताया अपूर्णीय क्षति। ओम प्रकाश राजभर ने यूपी के मंत्री विधायकों को बताया 10वीं फेल, बोले ये क्या चलाएंगे आईपैड। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज बिजनौर और मेरठ में किसान पंचायत को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी की हालत गंभीर, ऑक्सीजन सपोर्ट पर। प्रयागराज में पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम, प्रेमी संग मिलकर पति का सिर किया धड़ से अलग। इटावा में वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव, देव सिपाही घायल, गलियों में छिपकर खुद को बचाया। वैलेंटाइन डे पर फ्रांस के रोमन और गुजरात की धरती ने रचाई शादी, मार्कंडेय महादेव का लिया आशीर्वाद। अजीत सिंह हत्याकांड में लखनऊ पुलिस ने शूटर गिरधारी सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया। यूपी में सीएम योगी अभ्युदय योजना की करेंगे शुरुआत, 16 फरवरी से शुरू होगी कोचिंग की पढ़ाई। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।